CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। इंदौर पुलिस ने मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर आबाद नाला सुपारा में कुछ दिन तक डेरा डालकर एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस को नाला सुपारा से गैंग से जुड़े कुछ लोग भी मिले और भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट बरामद हुए। पुलिस ने जब इंदौर पहुंचकर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गैंग का लीडर विजय दत्त, जिसका असली नाम मामनूर हुसैन है, जो बांग्लादेश के कछारी पारा का रहने वाला है और बांग्लादेश से गरीब लड़कियों को काम का लालच देकर भारत लाता और फिर अपने 500 से ज्यादा एजेंटों की बदौलत लड़कियों को बेच देता। पूछताछ में उसने बताया कि वो अब तक करीब 5000 लड़कियों को कॉल गर्ल बना चुका है। पुलिस की तफ्तीश में इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी ज्योत्सना बांग्लादेश में महिला उत्थान के लिए NGO चलाती है और वहीं मजबूर लड़कियों को भारत भेजती है। बांग्लादेश बॉर्डर पर मामनूर लड़कियों को फर्जी ID देता और अपने साथ इंदौर ले आता। लड़कियों को थोड़ा ट्रेन करने के बाद वो इन लड़कियों को भारत के अलग अलग शहरों में उसके दलालों को सप्लाई कर देता था। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लड़कियों का सबसे बड़ा तस्कर रहा है ये। इससे पहले इंदौर पुलिस ने 2020 में एक देह व्यापार से मुक्त कराया था करीब 21 लड़कियों को और इसमें जो है करीब 33 आरोपी पकड़ाए थे उस समय। तो जब इनसे पूछताछ हुई थी तो ज्यादातर लोग जो है इसका विजय दत्त नाम के आदमी का नाम लेते थे और उज्जवल ठाकुर का। बाकी इसमें करीब 33 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, ये दो जो है बचे हुए थे। इसके बाद अभी इसमें 2021 में 15 नवंबर के आसपास हमने फिर 5-6 लड़कियों को पकड़ा, बांग्लादेशी लड़कियां थी वो, और वहां पे भी उनसे भी जब पूछताछ में बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि इनके पीछे भी विजय दत्त और ये उज्जवल ठाकुर ही है। इस सेक्स रैकेट से जुड़ी लड़कियां मुंबई, पालघर, पुणे, जयपुर, उदयपुर, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, जबलपुर, खंडवा, पीतमपुर, धामनौद, राजगढ़ में कोड वर्ड कार के नाम से भेजी जाती थी। इसका कमीशन सीधा मामनूर को जाता था और वो इस कमाई को हवाला और हुंडी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा दिया करता था। पुलिस का दावा है कि अभी दूसरे गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है और इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं।